हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो है कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कुछ दूसरे मुद्दों पे, कुछ दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको मैं मिलाने के लिए जा रहा हूँ मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, जिसको बोल सकते हैं आपकी जो है 8th क्लास से हम लोग साथ में रहे हैं। एंड हमेशा अगर हम दोनों की बात करें तो गाँव हो या मोहल्ला हो, हम दोनों की हमेशा चर्चा रहती रही है, सुशील एंड प्रवीण। तो मैं आज जिस शख्स से मिलाने के लिए जा रहा हूँ आपको, ये मेरा परम मित्र ही नहीं, अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। और इसने जो है IIT BHU से MTech एंड PhD कंप्लीट किए हैं। तो वैसे लोग जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जिनको MTech करना है, PhD करना है, या फॉरेन से PhD के ऑप्शंस कैसे लाया जा सकता है, किस तरह से MTech को किया जा सकता है, किस तरह से PhD किया जा सकता है, सो ही इज फ्रॉम द IIT BHU, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मेरा जो दोस्त है प्रवीण, इसने जो है BPSC क्लियर किया हुआ है। एंड BPSC के थ्रू इसे जो है मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में ये है अभी कार्यरत, है ना। लगभग 3 साल से ये बिहार में सेवा प्रदान कर रहे हैं अपना। एंड आज बड़ा अच्छा मौका रहा, आज मेरा बहुत ही अहम दिन है कि मेरा जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड आज मेरे पास आया मिलने के लिए, है ना, खास मिलने के लिए मुझसे आया हो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, रियूनियन है। तो ठीक है, मैं आपसे मिलाऊंगा। और अभी मैं आप इनसे जानना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सबके क्वेश्चंस रहते हैं, तो हायर स्टडीज में किस तरह से किस पॉइंट को रखा जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, सो वेलकम माई दोस्त, है ना। चलो, तो मैं पहला क्वेश्चन, मेरे जो दोस्त हैं, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सबका यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा कि सर, MTech करने का क्या फायदा है, MTech करने का कुछ फायदा है या नहीं है ना। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि बस फटाफट जॉब लगे, फटाफट हायर स्टडीज के बारे में नहीं सोचते हैं लोग, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्कॉलर का, क्या इंपॉर्टेंस है MTech का, थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट्स को बताया प्लीज। थैंक यू सुशील, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, थैंक यू। क्योंकि आपने बहुत अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया है। IAS एग्जाम जो बहुत ही टफ माना जाता है, हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करे और UPSC का जो ब्रांड है वो उस पर लगे। जरूर। तो वैसे एस्पिरेंट्स जो बीटेक हैं और जो चाहते हैं कि सर्विसेज में जाएं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज द बेस्ट ऑप्शन। एंड जिनको आप हायर स्टडीज के लिए जाना, जैसे मैंने खुद हायर स्टडीज को चुना, जी मैं खुद अभी 2020 में हमने हमने PhD कंप्लीट किया है। एंड नाउ आई फील प्राउड दैट आई एम डॉक्टर प्रवीण कुमार। सो जरूर जरूर। द सैल्यूटेशन इज चेंज, सो इफ यू आर PhD, ऑब्वियसली एन MBBS डॉक्टर, जो भी MBBS डॉक्टर हैं वो अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बीटेक के बाद ऐसा समझ सकते हैं, वो ग्रेजुएशन करते हैं तो डॉक्टर लगा लेते हैं। लेकिन यदि आपको भी तमन्ना है कि आपके नाम के पहले यदि डॉक्टर लगे तो आपको PhD करनी चाहिए। वो डॉक्टर है या डॉक्टरेट है? हाँ, डॉक्टरेट है। तो वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जी। तो इसमें यही है कि MTech क्यों करना चाहिए, जैसे आपका क्वेश्चन था कि MTech क्यों करना चाहिए। जरूर। तो MTech इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप किसी में स्पेशलाइज होते हो। जैसे मान लीजिए आपका एनी ट्रेड हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं एज ए बीटेक, और हमें ब्रॉड नॉलेज होता है सभी का। लेकिन यदि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपको रिसर्च की जरूरत पड़ता है। वहीं से ये स्कॉलर स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहलाते हैं रिसर्च स्कॉलर। और जिस तरह से मेरा खास एक ट्रेड था, जैसे मैं खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हूँ MTech एंड PhD, तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो उसी तरह से आपका यदि मान लीजिए मैकेनिकल के हैं तो थर्मल हो जाएगा, सिविल के हैं तो सर्वेइंग, जो भी है आपका, तो स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब एक डॉक्टर के से मैं बार बार रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कि यदि कोई जैसे किसी का भी डॉक्टर, जैसे मान लीजिए डायबिटीज का जो अभी कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा चल रहा है, तो डायबिटिशियन करके आता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि किडनी का है तो नेफ्रोलॉजिस्ट है, और उसी तरह से वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आप भी यदि इंजीनियरिंग ट्रेड में स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप MTech करें, है ना। इसमें क्या है कि इसमें पैकेज भी अच्छा मिलता है कंपनियों में, क्योंकि वो भी एक ट्रेड के स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, वैसे वर्कर्स चाहिए होते हैं, वैसे स्टाफ्स उनको जरूरत होती है। जी तो
उस तरह से यदि आप मान लेते हैं कि अभी जो ट्रेड है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई है और जो इरा है वो वीएलएसआई का ही है, तो उसी तरह से आपको जो कंपनियां हैं कैच करती हैं। अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, तो इसमें यदि आप स्पेशलाइजेशन में यदि कुछ एमटेक करते हैं और फिर पीएचडी करते हैं तो आपको अच्छे पैकेज देते हैं, क्योंकि वो पता है कि जो पैकेज वो बीटेक ऑफर करते हैं यदि आप सेम वही जॉब भी आप करेंगे एज ए एमटेक और पीएचडी तो ऑब्वियस है कि आपका सैलरी उनसे कहीं ज़्यादा होगा। और तो इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एमटेक करिए और अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, टॉप के IITs, NITs, IIITs और जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आप करिए, वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं और अच्छे पैकेज के साथ अपने जो हैं एम्प्लॉई वो उसको रखते हैं और अच्छा होता है उनका। थैंक यू प्रवीण। जैसे आप लोग देखें अभी कि बहुत अच्छे ढंग से मेरे दोस्त प्रवीण ने आपको बताया अभी कि एमटेक करने से वाकई में जो है अगर आप अच्छे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। हाँ, जैसे मैं एज पर एग्जाम्पल बताऊं कि जब मैं IIT रुड़की में था तो उस समय जो मैक्सिमम पैकेज गया था 85 लाख का गया था उस समय, वो एमटेक का ही बंदा को लेकर के गया था, है ना। तो वहां पे आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, जी आपके अंदर कैलिबर है, तो वहां से डेफिनेटली आपको जो है अच्छा मतलब जो बोल सकते हैं आपका द्वार खुल जाएगा आपका, एंड वहां से बिग अपॉर्चुनिटी आपके पास हायर स्टडीज करने के बाद अच्छी कंपनी जी में पैकेज के साथ, राइट। तो दूसरा अगर आपको ऑप्शन है जैसे मान लीजिए कि आप रिसर्च फील्ड में करना चाहते हैं, जी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप डॉक्टरेट का जो है ले डॉक्टरेट करें। डॉक्टरेट करने से जो है आई थिंक सो दो तीन अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, जैसे टीचिंग लाइन जो है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है आज के टाइम में जो है टीचिंग लाइन में, आपको अगर करियर बनाना है और अच्छा अच्छा पैकेज प्रोफेशन है, मिलेगा, वो अच्छा नोबल प्रोफेशन प्रोफेशन है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इज्जत भी जरूर मिलता जरूर। है। तो इसके बारे में बताएंगे मेरे दोस्त डिटेल में कि डॉक्टरेट करने के बाद टीचिंग लाइन में इसका किस तरह से बेनिफिट है। हाँ प्रवीण, जी इसमें यदि आप पीएचडी रहते हैं तो एक तो आपका टीचिंग एंड रिसर्च ये दो चीज है जो वहां पे आप इनडेफिनेट ग्रोथ कर सकते हैं इसमें, जी है जी ना। आप एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर, मतलब आप क्या बताएं, आप सब चीज हो। यदि आप पीएचडी कर लेते हो तो आप इंजीनियर तो हो ही क्योंकि आपने बीटेक भी इंजीनियरिंग से किया है, आप रिसर्चर हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। जैसे मान लेते हैं इसरो है, बार्क है, वहाँ पे यदि आप वहाँ भी रिसर्च के काम होते हैं, वहाँ पे यदि आप बनते हो तो साइंटिस्ट भी बन सकते हो, है ना। तो जो भी आपका जो हम लोग बचपन में सोचते थे कि हमें किसी को इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो ड्यूरिंग एमटेक और पीएचडी। मैं यही इसलिए कह रहा हूँ कि एमटेक जो है वो 2 साल का डिग्री कोर्स है, पीएचडी जो है इसमें टाइम बाउंड इसमें भी होता है, बट हाँ आपका यदि किसी में इंटरेस्ट है तो उसमें आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर भी आप कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम 5 ईयर्स, है ना, आप ले करके किसी में अच्छा शोध कर सकते हैं आप, और ये जो आपका शोध है, जो आपका रिसर्च है, वो पूरा वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉलेज या तो किसी यूनिवर्सिटी या तो फिर कोई देश ही आपको राइट जानेगा, राइट है ना, ये आपका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है ना। तो यदि आप जो लेटेस्ट इंडस्ट्री रेडी जो कहते हैं यदि हम काम करते हैं तो आपको हर कोई आपको ऑफर करेगा, है ना। जैसे अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मैंने बताया, है ना, और आपका रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग, है ना, तो ये सब जो कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, तो इस पे यदि कोई आप रिसर्च करते हैं, इस पे यदि आप अच्छा कोई साइंटिफिक रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको वे रिकॉग्निशन होगा वर्ल्ड वाइड। और जहाँ तक क्या कहते हैं करियर की सवाल है तो टीचिंग लाइन में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ही, क्योंकि आपने देखा ही कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो किसी डिग्री कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में लगते हैं तो उनका पैकेज ऑब्वियस जो बीटेक का होता है उससे ज़्यादा ही होता है, ऑब्वियस और वहाँ पे इनका जो लेवल 10 जो अभी जो पहले 6,000 AGP होता था, सिक्स उसमें CPC में 7 CPC में ये जो है लेवल 10 आता है जिसका 57,700 ग्रेड पे होता है, ये लेवल होता है इसमें बेसिक पे 57,700। तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ भी है, यदि आप PhD हैं तो आपका प्रमोशन भी जल्दी होता है, मतलब आप डायरेक्ट एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और पोस्ट PhD 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या है कि एसोसिएट में फिर अच्छा जंप होता है, वहाँ पे यदि 6 CPC की बात करें, है ना, छठवें वेतनमान जो था उसमें 9,000 AGP है ना, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा जंप होता है।
है ना, जब आप असिस्टेंट एसोसिएट बनते हो तो बहुत ही हायर जंप होता है सैलरी में। तो ये तो हो गया, उससे ज़्यादा है कि आप जो है वो अपने समाज के लिए कुछ करते हो। ये नोबल प्रोफेशन है, ये जो भी यहाँ पे जो मनी है ना, यहाँ पे कुछ भी अंडर द टेबल नहीं चलता है, जो भी ये वाइट मनी है। और इतना तो किसी के लिए सफिशियंट होता है कि वो अपना अच्छे से ज़िंदगी जी पाए, है ना। और समाज का जो रिस्पेक्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, और मेन है जो हमारा जो एक नेटवर्क बनता है, एक रिसर्च कम्युनिटी का जो नेटवर्क बनता है, प्रोफेसर्स का, एक इंटेलेक्चुअल्स का जो नेटवर्क बनता है, जी जी, समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए जो भी अंधविश्वास है या फिर वैसे मिथ्स हैं जो लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, आप उसमें उसको रिसर्च करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं, सोसाइटी को बता सकते हैं। तो एक अच्छा नोबल प्रोफेशन है। और आप डायरेक्टली बीटेक से पीएचडी के लिए भी सोच सकते हो, है ना। यदि मान लो कि किसी को एमटेक नहीं करना हो, डायरेक्टली पीएचडी करना हो, तो यदि आपका 75% बीटेक में है तब डायरेक्टली पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हो। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप भी देती है, है ना, वो हैंडसम अमाउंट है, इतना अमाउंट अच्छा है सफिशेंट कि आपको अपने फैमिली के लिए बॉदर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली, तो मेरे ख्याल से अच्छा है यदि आप पीएचडी करते हो। थैंक यू प्रेड, इनका जो कहना था वो बहुत ही शानदार था कि आप जो है बीटेक के बाद भी पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, गेट का एग्जाम होता है, गेट के थ्रू जो है बीटेक से डायरेक्टली पीएचडी में भी अप्लाई हम कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज हैं जो पीएचडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बोलता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा है एमटेक कीजिए, एमटेक करने के बाद पीएचडी कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, ये टेस्ट मैच है, ठीक है। आपको भी पता है कि जो क्रिकेट का एक्चुअल पिच होता है वो टेस्ट मैच में ही पता चलता है कि खिलाड़ी कितने पानी में है ना। जैसे अगर हम बात करें बीटेक के टाइम का, तो है ना, अपने क्लास में भी थे जो 90-90% लाख बैठते थे, 80-80% लाख बैठे रहते थे, है ना। तो बहुत ऐसे थे जो 80-80% लाख बैठे थे, जब गेट के एग्जाम भी हुआ तो पीछे से टॉप किए, है ना। तो गेट इज डिफरेंट थिंग, और आपका जो है वो कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसकी डिफरेंट है, उसको आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है डिग्री लेना चाहते हैं, आईआईटी से डिग्री लेना चाहते हैं, देखो एक चीज बताते हैं आपको, लाइफ में जो है ना भगवान एक बार मौका, अगर आपको आपका मौका एक बार छूट गया है ना, दोबारा मौका जरूर देता है। मान लीजिए आपने किसी कारणवश बीटेक नहीं कर पाया, आपके अंदर मलाल रह गया कि नहीं आईआईटी जैसे संस्थान में हम नहीं पढ़ पाए, तो आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी है, आप मास्टर्स कीजिए, वहां से पीएचडी कीजिए। एंड मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आप अच्छे कॉलेज, अच्छे आईआईटी से अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो वहां से जॉब लगेगी। डेफिनेटली वहां से आपको जॉब लगेगी। तो डेफिनेटली जॉब लगेगा। जी जी, थोड़ा सा भी अगर सिंसियर है आप, तो डेफिनेटली जॉब आपकी वहां पे लगनी है ना। जैसे मैं अपने टाइम की भी बात करूं, तो मैंने देखा था कि थोड़ा सा भी आप सीजीपीए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो है 10 लाख से ऊपर का ही पैकेज लग रहे थे सबका। तो बेटर है अगर आपका, देखिए आपके पास दो अपॉर्चुनिटी, या तो गेट में अच्छे रैंक ला करके आप पीएसयू ले लो, पीएसयू बहुत सारे बचे नहीं है और अप्रोक्सीमेटली जो है प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, तो या तो आप बहुत पढ़ो और इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लो, ठीक है। अब ईएस तो सबकी बस की बात होती नहीं है, ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैराथन है, मैराथन दौड़ है, यस, 100 मीटर का दौड़ नहीं है कि आप तुरंत दौड़े और जल्दी से फर्स्ट कर गए। जरूर जरूर, ईएस क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। ईएस में क्या है कि आपके जीएस पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है ना। किन्हीं को सक्सेस एक बार में मिल जाती है, किन्हीं को नहीं मिल पाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका बात पीटी ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, अनसर्टेनिटी है, यूपीएससी का एग्जाम है, अनसर्टेनिटी वाला एग्जाम है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो या तो ईएस कर लो, या अगर आपके पास लगता है कि हम ज्यादा ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है पीएचडी कीजिए। एंड पीएचडी करने के बाद आपके पास आईआईटी जैसे संस्थान होंगे, एनआईटी जैसे संस्थान होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, वहां पे जाके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि इंडिया की बात करें तो प्रोफेसरों की भारी कमी है, जो आप हमेशा देखते हुए न्यूज चैनल में, जी जी, प्रोफेसरों की बहुत कमी है, स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है। जी, उसी तरह से हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत है, उसमें लेकिन वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो चाहिए, जो AICTE का मापदंड है 1:20 का रेशियो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स है तो एक आपका वहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत कमी है, इवन IITs में भी कमी है। जी, प्रवीण ने सही बात बोला कि ये जो है वाकई में बहुत ज्यादा कमी है अच्छे प्रोफेसर की। कुछ प्रोफेसर अच्छे हैं तो पढ़ाते नहीं है, तो डेफिनेटली एसोसिएट प्रोफेसर की बहुत कमी है। तो आप जो है थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप,
थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे साथ में, देखिए आपके सामने बैठे हैं सबसे सक्सेसफुल आदमी जो है, इसका एक जगह से मैं आपको बताता हूँ, इसका एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका दो दो जगह सिलेक्शन हुआ है। ये बिहार में जो है वो 3 साल तक, अभी अभी जॉब कंटिन्यू है इसका 3 साल तक, उसके बाद इसने जेपीएससी मतलब जो झारखंड के जो है टेक्निकल एग्जाम से, जेटीयू है जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फॉर्म निकाला था, और जेपीएससी के थ्रू इन्होंने जो है फिर से यहाँ के जो सबसे नंबर वन कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा झारखंड का, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे नंबर वन है बीआरटी सिंदरी, वहां पर ये अभी जो है प्रोफेसर बनने वाला है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास दो दो ऑफर आए हैं, उसके बाद भी इसके पास ऑफर खुले हुए हैं, ये टॉप के एनआईटीज में भी अप्लाई कर सकता है, टॉप के आईआईटीज में भी अप्लाई कर सकता है। तो डेफिनेटली आपकी सैलरी, आप मान के चलो कि आपका 1.5 लाख 1 लाख से स्टार्ट होती है सैलरी, और इतने सैलरी मिलने के साथ साथ आपके पास पीसफुल लाइफ, सबसे बड़ी बात है पीसफुल लाइफ, हाँ पूरा पीसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ है, कैंपस के अंदर रहना है, बीवी बच्चों के साथ मस्त खेलो घूमो फिरो ऐश करो, सुबह जाना है ऑफिस जाना है, एक दो लेक्चर लेना है, ऑफिस के कुछ काम करने हैं, खत्म, कोई रिलायबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, है ना। और ये बहुत ही अच्छी लाइफ है, स्मूथ लाइफ, अगर किसी को पीसफुल लाइफ सुकून चाहिए, लाइफ सुकून लाइफ चाहिए अगर, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एमटेक और पीएचडी जरूर करें, है ना। अपने देखो एक हम लोग जब क्लास में थे तो बहुत सारे बच्चे करते थे, जब हमको याद है प्रवीण कि जब हमको लगता है कि क्लास में मैं सबसे पहले बंदा था जो स्टार्ट किया था मैं गेट का प्रिपरेशन, हाँ गेट का प्रिपरेशन। तो यही है कि हम लोग एक दूसरे से इंड्यूस हुए, जैसे सुशील ने सेकंड ईयर में ही लगा लिया था, जब हम लोग भोपाल में थे बीटेक में, तो सेकंड ईयर में ही कोचिंग लगा लिया था, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं हम लोग को भी करना चाहिए, तो हमने भी थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, और थर्ड ईयर में हम लोग का गेट क्वालिफाई हो गया जी, था। मेरा 1047 रैंक था थर्ड ईयर में। हाँ तो सुशील का अच्छा आया था, हमारा नहीं आया था, लेकिन हाँ स्कोर कार्ड आ गया था, तो इतना खुशी थी कि हम लोग फाइनल ईयर में तो अच्छा कर ही लेंगे, और हुआ भी, हम लोग दोनों आईआईटीज में गए, है ना। तो डेफिनेटली हम लोग आईआईटी में गए और गेट में हम लोग दोनों का बहुत अच्छा स्कोर रहा था, मेरा 64.67 मार्क्स था, प्रवीण का 63 मार्क्स था, है ना, और हम लोग जो है अच्छे रैंक ला करके जो है, और डेफिनेटली जो है हम लोग अच्छी जगह पहुंचे थे। तो देखो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट एक अच्छा जगह पे आप पहुंच सकते हैं, बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो है आप जो है अपने आप को समाज में स्थापित कर सकते हैं। मैं आपसे अभी आपको मिलाया, मेरे जो सबसे परम मित्र बताया मैंने अभी आपको, तो ये देखो मतलब किस तरह से इसने पैसेंस रखे यार, इसे मतलब सीखने वाली बात है, किस तरह से पैसेंस रखा सोचो, इसके मतलब एमटेक किया, एमटेक करने के बाद इसने दो एक साल इन्होंने बाहर में पढ़ाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, 1 साल बाहर में पढ़ाया, फिर इसने लगा कि नहीं अगर मुझे अगर इस प्रोफेशन में रहना है तो कुछ डेफिनेटली अच्छा करके रहना है, फिर वो आई टी बी एच यू गए और फिर से इन्होंने जो है पीएचडी कंप्लीट किया, और पीएचडी के दौरान ही बीपीएससी का फॉर्म निकला था, उसको फॉर्म भरे और जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बने, है ना। अच्छा पे स्केल है, अच्छी लाइफ है, पीसफुल लाइफ है। तो सर एक होता है ना कहावत, अंगूर खट्टे हैं, है ना, जैसे हम लोग जब हम लोग तैयारी करते थे तो बहुत सारे दोस्त मेरे जो बोलते थे कि यार यार गेट वेट का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, इंफोसिस टीसीएस विप्रो जिंदाबाद, है ना, ये तो है ही उसका करो, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा अलग चुना, हम लोग दोनों जो है अलग चुने थोड़ा सा, है ना, ट्रेंड से हटके थे। हाँ ट्रेंड के से हटके थे, और मेरी भी जिद थी शुरू से ही कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो एक ही करेंगे भाई, यूपीएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, अदरवाइज जो है मेरा टीचिंग जिंदाबाद, है ना, मैं आज भी बोलता हूँ अदरवाइज मेरी चीटिंग मतलब जो है मेरी टीचिंग जो है वो जिंदाबाद है ना, क्योंकि अब उस समय मेरी 8.5 लाख का पैकेज लगने के बाद भी मैंने छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये कि आपको क्या मन है वही करना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है दो लाइन में मैं खत्म करना चाहूंगा, और कुछ जो है मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं उससे कुछ शेयर करें प्रवीण, कि तुम्हारा सक्सेस मंत्र क्या रहा, तुम अपने आप को किस तरह से पेशेंस में रखे, है ना, 2 मिनट में खत्म करें थोड़ा सा जल्दी में। मेरा जो सक्सेस मंत्र, बस मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे पास भटकाव बहुत होते हैं, जब हम बीटेक में थे तो बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स आते थे, और हम ब्लाइंडली बिना कुछ सोचे समझे चले जाते थे एग्जाम देने, यहाँ इवन हमको सिलेबस भी नहीं पता होता था इसे सिलेबस क्या है, बस कॉन्फिडेंस इतना था कि हाँ निकाल लेंगे बस। सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं होता है, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है दोस्त। तो आप पहले स्ट्रेटजी बनाइए, आप पहले डिसाइड करिए हमें क्या करना है। हमें थोड़ा लेट, हमें भी लगा, हम भी तुरंत सक्सेस नहीं हुए। मैं जब पीएचडी करने गया तो हमारे पास बस रास्ते बंद हो रहे थे, क्योंकि अब एज खत्म हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे बीटेक एग्जाम के होते हैं जो भी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो निकलते हैं, पीएसएस के एग्जाम्स, तो उसमें हमारी एज खत्म हो रही। तो मैंने अपने को लिमिट किया कि हमें करना क्या है लाइफ में, तो मैंने पीएचडी को अपना समझा,
और फिर उसी की तरफ फोकस किया। मैंने बस दो ही रास्ता रखा, या तो टीचिंग या तो रिसर्च। तो बस फॉर्म निकला था, मैंने भरा और वहाँ पे सक्सेस पा गया। तो वैसे ही है, सभी का अपना अपना जर्नी है, सब लोग अपने तरीके से बिताते हैं। और जैसा कि ये सुशील ने बताया कि हम लोग बहुत 8वीं कक्षा से साथ में हैं, अभी भी रहेंगे, आगे भी हैं। तो इसका भी कुछ ऐसा ही रहा, ये भी बहुत ही जिद्दी इंसान है सुशील, है ना, और इसके भी टीचिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है ना। ये खुद हमें पढ़ाता था और नो डाउट अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये इसने इसका जिद देखिए कि इन्होंने इतना मेहनत किया और इतनी असफलता के बाद भी, है ना, कोई माँ दो नंबर से किसी का छूट जाए तो वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है कि 2 मार्क्स के कारण नहीं हुआ, और जिंदगी भर वही रोना रोता है कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, हम क्विट कर दिए, है ना। तो प्लीज क्विट ना करें, है ना, उसके आगे भी बहुत सारे मुकाम आपको हासिल करने हैं। असफलता बस थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए, उसको ज्यादा देर तक खींचिए नहीं और नए काम में लग जाइए। फिर से यदि आपको करना है फिर से स्टार्ट करिए, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, है ना, हर दिन एक नया बनाइए। तो जिस तरह से हम लोगों ने सक्सेस पाया, हमारे सुशील ने सक्सेस पाया, हम लोग दोनों रूममेट रहे हैं, है ना, तो भविष्य में आप लोग भी कुछ मोटिवेट हो करके यदि आप भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कुछ अच्छा सपोर्ट था, हम लोग बहुत ही ग्राउंड लेवल से उठे हैं। और हम लोग सबसे अच्छा चीज़ यही था कि हम लोगों में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि सुशील बहुत पढ़ने में तेज था तो मैं बहुत पढ़ने में तेज था, हम लोग दोनों कभी नहीं मानते कि हम लोग बहुत तेज थे। हाँ, रैंक उन लोगों के जरूर आ जाते थे आगे पीछे और टॉपर की लिस्ट में हुआ करते थे, तो अलग चीज़ है। तो तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ रैंक नहीं देखते हैं, आप अपना मेहनत देखते हैं। हम लोग दूसरे को एक दूसरे सपोर्ट करते थे, यदि मेहनत नहीं कोई कर रहा है तो उसको सही धारा में लाने के लिए एक दूसरे को बताते थे कि तुम्हारा भटकाव हो रहा है, तुम सही लाइन में आ जाओ, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और आज हम लोग दोनों सक्सेसफुल हैं। और यदि आगे भविष्य में यदि आपको कुछ चाहिए होगा गाइडेंस, तो हम लोग का जैसे सुशील ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, है ना, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और जो भी आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, है ना, जिस लेवल पे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग का एक्सपीरियंस है वहाँ तक तो सुझाव दे सकते हैं, आगे का यदि एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वहाँ तक का भी सुझाव दिया जाएगा आप लोग को। फिलहाल अभी जितना आप चाहते हैं, जितना आपको ज़रूरत है, आप हम लोग उसे सुझाव ले सकते हैं। थैंक यू प्रवीण। देखो ये बात सही है कि हम लोग में स्ट्रांग कॉम्पिटिशन थी। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बहुत मैटर करता है ना। बहुत सारे दोस्त जो अगर ये वीडियो चैनल देख रहे होंगे, आप लोग को पता होगा कि मैं क्लास में भी एग्जाम्पल देता रहता था कि मेरा दोस्त यही है मेरा दोस्त, है ना, इसी के बारे में बताता रहता था कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन कैसे होते थे। हम लोग आज भी बताता हूँ ये वाक्य हम लोग का जो है हमेशा रहा है, हमेशा, है ना, हम लोग एक दूसरे को भाई से बढ़ के जमाने हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा करते रहे, है ना। मतलब सेल्फिशनेस नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना। आज मैं अभी रांची में हूँ, रांची, ये पटना से रांची आया आज, ठीक है। मैं छोटा सा वाक्य मैं शेयर करूंगा आज मॉर्निंग का। आज भी हम लोग की वो आदत गई नहीं है, ठीक है। मैं सुबह मॉर्निंग में अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, मैंने पूछा इसे कि भाई तेरे कपड़े हैं क्या, कुछ दे दो। मैं मतलब मैं कोई भी काम करता था तो इसको लेकर के करता था, ऐसा नहीं कि मैं अपना सिर्फ कर लिया। मैं ये हम लोग की स्ट्रांग रहती थी, बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती थी। ये बाथरूम से नहा के निकला, फिर मेरे को बोलता है भाई तू नहा ले, फिर जो है साथ में नाश्ता करेंगे, है ना। मतलब इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही हर चीजों में, ना हर चीजों में एक दूसरे का हम लोग ख्याल रखें। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर मेरे साथ प्रवीण को छोड़कर कोई दूसरा रहता मेरे साथ, तो मैं जिस तरह से कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता था, मैं कभी कभी किसी तरह से अपने रास्ते में भटक जाता था, तो अगर इसके जगह पर कोई दूसरा मेरा रूम पार्टनर रहता तो मैं आज इतना सक्सेस नहीं कर पाता। डेफिनेटली मेरे सक्सेस में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, चूंकि ये ऑल्सो मेरे साथ भी यही है जरूर। लेकिन हाँ, ये चीज होता था कि जैसे मान लो कुछ मैं गलत करने के लिए जिद होना चाहिए, जिद होना चाहिए जरूर। और कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए आपको जिद करना पड़ेगा। आपके अंदर का गुस्सा जो है आप उसको अपना सक्सेस में लगाइए, अपने अंदर का आग उसमें लगाइए, तभी सफलता मिलेगी। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, हम सभी से कहते हैं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। ऐसा मत सोचो कि हमें उससे आगे निकल जाना है। हाँ, आप दोनों आगे निकल सकते हैं, साथ लीजिएगा तो एक और एक 11 करना है, एक और एक 2 नहीं करना है। तो यदि आप किसी को साथ देते हैं तो आपका डबल नहीं होता है, आप 11 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। जरूर जरूर। तो जितना आप नेटवर्क बनाओगे, अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाओगे, उस तरह सोसाइटी में रहोगे, तो ऑब्वियसली आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। डेफिनेटली प्रवीण, ये चीज सही है कि एक और एक बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने कि एक और एक 11 करना है, एक और एक 2 नहीं करना है। डेफिनेटली आप अपने साथ वालों को, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने साथ वालों को पढ़ाओ,
जैसे मैं मीटिंग में था तो हमेशा मैं लेके बैठ जाता था साथ वालों को, चलो भाई आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो दिन भी जो थे और आज ये भी दिन है, और डेफिनेटली हम लोग जो है आगे फिर से जो है हम लोग की जोड़ी चले और आगे हम लोग डेफिनेटली अपने अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हायर एजुकेशन को लाइटली में नहीं लें, कॉम्पिटिशन है उसमें भी, इसलिए कॉम्पिटिशन ये ना सोचे कि उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, चाहे आप छोटा एग्जाम निकाले चाहे बड़ा एग्जाम निकाले, कॉम्पिटिशन का रेट सेम है, कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है, हर जगह है, बस उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को तब के आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, धन्यवाद प्रवीण, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सेम टू यू आल्सो, थैंक यू।